राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारी और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम पहुंच गए भाई चित्तौड़गढ़, जहाँ पे पद्मावती मूवी की शूटिंग हुई थी ना भाई, वहाँ पहुंच गए उसी किले पे। बस थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले सामने, बिल्कुल ये हो रहा चित्तौड़गढ़ किला, जहाँ पे पद्मावती मूवी की शूटिंग हुई थी ना भाई, वहाँ पहुँच गए भाई। इस वीडियो को इतना प्यार चाहूँगा तारा, बहुत प्यार चाहूँगा इस वीडियो को, क्योंकि ये देखो मतलब कि सब बिल्कुल यूनिक चीज होने वाली, और किले की भाई एक चीज ऐसे मतलब फुल डिटेल बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगे आप सबके प्यार से। भाई यहाँ पहुंचे हम, आप सबका प्यार चाहोगा इस वीडियो को। ये हो रहा भाई किला सामने, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सामने आते हैं हम, बिल्कुल नीचे है किला है भाई ऊपर। इसी रास्ते पे तो युद्ध हुआ था। हाँ, इस पे ऊपर जाके किले पे जब देखेंगे भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं, आगे किले की दीवार नीचे। ये देखो ये चित्तौड़ थर्ड, चल भाई गेट आगा, मेन गेट आगा, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है। आ गया भाई पहाड़ी रास्ता, आगा ऊपर किले पे जाने वाला। ये रे गेट, यहाँ भाई पद्मावती की मूवी की शूटिंग हो रही है इस किले पे। हमें तो भाई आगे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ऊपर गाइड मिलेगा, गाइड लेंगे भाई, एक एक डिटेल बिल्कुल रिव्यू में दिखाई जाएगी आज पद्मावती चित्तौड़गढ़ किले की। जब तक भाई ऊपर किले पे पहुंचे आप टाइम लैप का एंजॉय लो, टाइम लैप लगा रहा मैं, टाइम लैप का एंजॉय लो। रास्ता देखो क्या खूबसूरत रास्ता है। यार यहाँ गाइड वाइड तो हमें मिल नहीं रहे भाई, ये एक तो अपनी जगह, और भाई रानी का महल ऊपर है, जो पद्मावती रानी जी उनका महल ऊपर है। एक बार यहाँ पे आ गए थे तो इसके बाद फिर बस ऊपर चलेंगे रानी के महल पे, यहाँ एक दो फोटो वोटो ले ले, रील वील बना ले अपनी। यहाँ से भाई ऊपर, फिर ऊपर रानी के महल पे से देखेंगे पूरा चित्तौड़गढ़, दिखे नीचे का पूरा व्यू चित्तौड़गढ़ का। वह यहाँ एक दो फोटो वोटो ले ला भाई अपना। ये देखो भाई क्या खूबसूरत नजारे है, ऊपर है भाई रानी का महल, वहाँ उधर उधर है रानी का महल। यहाँ भी भाई जैन बनी है, बिल्कुल जैन बन। यहाँ से भी चित्तौड़गढ़ तो पूरा दिख रहा, लेकिन ऊपर से रानी के महल पे से पूरा दिखेगा, पूरा एक्यूरेट बिल्कुल। ये देखो भाई वाओ, देखो भाई जी क्या चीज है, वाओ भाई। यार अगर गाड़ी मिल जाता ना तो एक एक चीज की मतलब ऐसे बिल्कुल फुल डिटेल में रिव्यू लेते उससे, लेकिन गाइड मिला नहीं यार हमें, कहीं भी गाइड नहीं मिला। थोड़ा लेट हो गया हम यहाँ पहुँचने में, पता नहीं गाइड वाइड या तो चले गए होंगे या यहाँ पे होंगे नहीं यार, मिल नहीं रहा गाइड। पर ये देखो भाई लंगूर बंदर जी यहाँ भी है, ये बैठे मेरे सामने लंगूर। यार कोई गाइड मिल जाए ना तो हर एक चीज का इतिहास ऐसा पता लग जाएगा बिल्कुल बिल्कुल जैनवन तरीके से। आज तक ऐसा किला भाई देखा नहीं, इतने किलों पे चला गया मैं आज तक, पर ऐसा किला आज तक नहीं देखा मैंने। मेरी पूरी लाइफ का पहला किला है यो, जो मतलब इतना बेहतरीन किला मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। ये देखो भाई जी हमारे पास टाइम भी कम है यार, हम लेट हो गए यहाँ तक पहुँचने में, बहुत लेट हो गए, क्योंकि पहले हम उदयपुर देखा, सज्जनगढ़ किला था वो देखा हमने पहले, वहाँ से यहाँ तक आने में लेट हो गए बहुत यार, बहुत लेट हो गए। पूरा सामने रानी का महल जो वो ऊपर दिख रहा ना वहाँ पे, वो है रानी का महल, वहाँ चलेंगे अब यहाँ से डायरेक्ट, वहीं पे चलेंगे बस अब यहाँ से। ये देखो भाई मतलब सब कुछ पुराना ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो कुछ था पुराने टाइम का ही है, सब कुछ पुराने टाइम का। ये रहा भाई रास्ता जाने का, शायद बंद हो रहा है वो तो,
और जाके देख रहे वहां तक सामने तो सामने आए वहां रास्ते तक जाके देख रहे। अब तो सड़क वड़क बन गई ऊपर से अलग, नहीं तो पहले पुराना रास्ता यही था जाने का, ये किले की दीवार साइड से। ये भाई ये बंद है रास्ता, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता था भाई पहले बंद है, अब फिलहाल के टाइम पे हो सड़क बन गई, अब तो पीछे से नई सड़क बन गई। नीचे जाके देखेंगे क्या क्या है सिस्टम। ये लो भाई जी, ये लो रास्ता ही था जाने का भाई, जो मूवी में भी दिखा रखा ना रास्ता जाने का, ये है वो रास्ता। ये रहा इधर से पूरा चित्तौड़गढ़, थोड़ा उस साइड से दिखेंगे, इधर से थोड़ा सा रिव्यू सही नहीं आ रहा सूरज की वजह से, तो ऊपर जाके देखेंगे भाई। ये देखो भाई, ये देखो, ये रहा पूरा चित्तौड़गढ़, नीचे पूरा चित्तौड़गढ़ है। ये रहा भाई बहुत बड़ा किला है यार, शायद ही पूरे किले में कोई घूम भी सके, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे किले में घूमने के लिए पूरा एक दिन कम से कम लगेगा भाई, पूरा एक दिन लगेगा। बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अपनी आंखों से आज तक इतना बड़ा किला नहीं देखा, बहुत बड़ा किला है भाई। अगर गाइड मिल जाता ना दोस्तों तो बस आज लाइफ ही सेट हो जाती, मतलब कि इस किले की एक एक डिटेल, फुल डिटेल मिलती इस एक बार ट्राई करेंगे देखेंगे, अगर कोई गाइड मिल गया तो गाइड लेंगे भाई, क्योंकि गाइड के बिना तो कुछ पता नहीं लग पाने का। यहाँ से तो आगे भाई घूम के बस रानी के महल पर चलेंगे गाड़ी लेके, वहीं चली जाएगी रानी। अरे चश्मा गिर गया भाई अपना, यहाँ आ जा बेटा। तो चलो भाई रानी के महल पे चलेंगे हम, जल्दी लेट हो गया यार बहुत टाइम, काफ़ी टाइम हो रहा, 6:45 हो रही, ये देखो 6:45 हो रही, बस रानी के महल पे जाएंगे और कहीं नहीं जा पाने के, रानी के महल पे जाके अपना एंजॉय लेंगे पूरा। रानी के महल वाले रास्ते पे आ गए भाई, इतना लेट यहाँ सिर्फ आपके लिए आए, आपको मतलब यो पद्मावती महल का पूरी डिटेल दिखा सके, लेट हो गया, नहीं तो हमारा प्रोग्राम सीधा उदयपुर से जयपुर जाने का था, फिर हमारा मतलब प्रोग्राम बना कि एक बार चित्तौड़गढ़ चल लिए पद्मावती के महल पे, अब भाई पद्मावती के महल पर रानी के महल पर जाएंगे सीधे। हाँ चलो रानी के महल पे जाके मिलेंगे भाई। ये रहा भाई काली माता का मंदिर यहाँ पे सामने, और उधर है रानी का महल, पद्मावती रानी का महल। भैया हट जाओ आगे से प्लीज, हमको जाने दो, हम लेट हो रहे बहुत। ये रहा भाई सामने जो ये दिख रहा ना वाइट वाइट, ये वाला ये रानी का महल। पहुंच गए भाई लो रानी के महल पे, ये रहा गेट, अब एंट्री करेंगे रानी के महल में, अंदर जाके देखेंगे भाई, दृश्य बिल्कुल अलग ही होगा, बिल्कुल अलग लेवल का। ये रहा बिल्कुल जैनवन जी सर, सर ये रहा भैया पूरा रानी का महल। सामने जो देख रहे हो ये लो भाई जी, ये लेडीज मीटिंग हॉल था भाई, जहाँ मीटिंग हो कर रही रानी पद्मावती के साथ में, और ये गार्डन है यहाँ पद्मावती रानी घुमा कर रही थी। यो भाई हमने गाइड कर लिया अपने लिए, थोड़ा बहुत हिंट देता का मैं, ये यहीं पे रहते हैं भाई किले में रात दिन, इनका 2400 घंटे का यहीं का काम है। ये क्या है? भाई बहुत सुंदरता है, बिल्कुल सफाई क्लीन, ये सब उसी टाइम का है। नहीं सर, गार्डन तो अच्छा, गार्डन अभी बनाए, गार्डन अभी बनाए, गाड़ी में छोड़िए।
आ जाओ तुम कमरा देखते हो ना ये वाला अच्छा ये हवा महल है जो पहले रानी और राजा रतन सिंह जी रानी पद्मिनी में दोनों चौपड़ खेलते थे जैसे ये भी लूडो खेलता ना हाँ हाँ पहले चौपड़ खेलते थे भाई ये जो सामने है ये हवा महल है ना रानी पद्मावती और रतन सिंह जी चौपड़ खेलते थे भाई ये हवा महल है रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह जी हाँ भाई चौपट खेला करते थे हवा महल में ऊपर तो जा सकते हैं जाइए ना आओ भाई चलो एक बार ऊपर चलेंगे हवा महल में चलो भाई ये ऊपर चलेंगे ये ना भाई सब कुछ सब यहाँ मतलब यहाँ तो भाई कपल ने अपना नाम भी लिख रखा देखो भाई क्या व्यू है यार भाई आज तक ऐसा व्यू देखा ही नहीं मैंने कहीं भी बिल्कुल सबसे अलग डिफरेंट यूनिक सब कुछ अलग बिल्कुल सब कुछ अलग ये देखो भाई हटियो दोस्त एक बार नीचे जाने दे भाई यो तालाब है भाई इसमें पुराने टाइम पे राजा रानी के टाइम पे यहाँ पूरा पानी भरा कर रहा था ऊपर लो अब तो यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा भाई यो तालाब था पुराने टाइम का यहाँ बिल्कुल खुला है यहाँ रानी पद्मावती बस यही और राजा के साथ सब कुछ यही था जो कुछ था भाई आओ भाई ये है भाई उनका गर्मियों का स्थान जहाँ गर्मी गर्मियों में यहाँ रह रही थी भाई पद्मावती रानी ये रहा तालाब ये महल भाई इधर यो वो महल है यहाँ पद्मावती रानी और रतनगढ़ राजा जी यहाँ अपना चौपाट के लग रहे थे यहाँ बैठ के इतिहास भाई इतिहास अपने भारत का इतिहास क्या कितना खूबसूरत इतिहास है अपने भारत का ये सर जो आप देख रहे हो ना कमरा जहाँ पहले चार शीशे लगे हुए थे चार शीशे लगे हुए थे यहाँ अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया गया था रानी पद्मिनी को सामने सीढ़ी पर खड़ा किया गया उसकी परछाई गिरी पानी के अंदर पानी की परछाई गिरी शीशे के अंदर उसके तरफ देखा था अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी को परछाई गिरी थी रानी पद्मिनी भाई जो ये है जो ये रास्ता है ये वाला रानी पद्मावती इस रास्ते से नाव के थ्रू अपने दूसरे वाले महल में जाया करती थी जहाँ पे रानी पद्मावती अपना गर्मियों के समय में टाइम स्पेंड किया करती थी भाई जो पीछे वाला है जो ऊपर से दिखाया था ना ये सामने बिल्कुल एक बार चलो यहाँ से भी दिख एक मिनट भाई जो ये सामने है ना भाई दोस्तों जो ये सामने वाला महल है ये सामने वाला ये उस वाले रास्ते के थ्रू रानी पद्मावती नाव के थ्रू इसमें जाया करती थी और भाई अलाउद्दीन ने यहाँ से देखा था रानी पद्मावती को सबसे पहली टाइम उसके बाद ही जो कुछ हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ था भाई ठीक हुआ भाई यार वहाँ तो गाड़ी मिला नहीं लेकिन महल में आने के बाद एक भाई गाड़ी मिलेगा इससे थोड़ी दासी हो गए ये भाई रानी पद्मावती की दासियों के कमरे हैं सारे सारे के सारे ये देखो ये भाई उनका वॉशरूम है पद्मावती रानी का ये रहा अब तो बंद गेट वेट बंद हो चुका है सब कुछ इसने भाई ने भाई बहुत हेल्प करी हमारे साथ आ गया सही हुआ है भाई आ गया ये किचन है भाई ये सामने वाला ये किचन है उस टाइम तो भाई कुछ और होगा लेकिन अब थोड़ा बहुत मतलब चेंज वेंज कर गए ऐसा बना दिया तो भाई बस यही था रानी पद्मावती का महल जहाँ पे वो रहा करती थी उस टाइम पे ये गार्डन वार्डन तो अभी के टाइम पे बने उस टाइम पे थोड़ा चेंज था मतलब कि अभी तो फिलहाल ये थोड़ा चेंज कर दिया ये टूरिस्ट पैलेस हो गया अब इस वाले में
लो भाई ये उनका घोड़ो वोड़ो का था जहाँ पे घोड़े बंदा करते थे इस वाले में, उस साइड ही जाकर एक बार देखेंगे। चलो एक बार उधर देखेंगे जाकर। ये लो भाई यहाँ पे भाई घोड़े वोड़े बंदा करे थे पहले पे राजा महाराजाओं के टाइम पे, जिस टाइम कम मतलब कि महल है ये, अब तो कलर वलर भी यहाँ पे चेंज होगा और ये गार्डन वार्डन सब कुछ बना दिया। पीछे तालाब भी सूखा पड़ा उस टाइम पे, पानी वानी रह रहा था भाई तालाब में। तो भाई ये देखो बस ये है पूरी रानी पद्मावती महल का रहस्य, फुल डिटेल रिव्यू में ले लिया भाई। गाइड ये भाई गाइड मिल गया, ये भी बहुत बेटर हुआ हमारे लिए, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं पता था यार क्या दिखाते आपको क्या नहीं। चलो भाई गेट क्लोजिंग, ये वो भाई गेट बंद हो गया, गेट क्लोजिंग का टाइम हो गया, हम लेट पहुंचे, बहुत लेट पहुंचे यार, अपना काम हो ही गया। चलो फाइनली अब अपना गाड़ी वाड़ी में बैठ के निकलेंगे यहाँ से। घूम लिया भाई पूरे पद्मावती के महल में और राजा रतनगढ़ जी के, भाई बहुत अच्छा लगा पूरे महल में घूम के। टाइम थोड़ा ही मिला लेकिन फिर भी पूरा अच्छी तरीके से मतलब कवर होगा पूरा महल जो जो कुछ था। मैं मंदिर नहीं जा पाए, ये मंदिर है भाई, और भाई वहाँ सामने म्यूजियम है, म्यूजियम में नहीं जा पाए क्योंकि म्यूजियम भी बंद होगा, 5 बजे बंद होगा म्यूजियम। इसमें भी जबरदस्ती घुसे, यहाँ भी जबरदस्ती घुसे भाई, टिकट में भी मतलब हमने टिकट ले ली थी, टिकट में पीछे प्रॉब्लम होगी, फिर इनकी रिक्वेस्ट करी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि महल में तो भाई घूमना ही घूमना आज बिल्कुल जरूर, महल तो देखना अंदर से क्या था क्या नहीं। ये रहा भाई ऊपर पूरा अपना पद्मावती रानी जी का महल और राजा रतनगढ़ जी का, लाइट जल रही भाई बिल्कुल मतलब यूनिक चीज है, बिल्कुल यूनिक। चलो भाई राजा रतन सिंह तो विनय पागल ही है बिल्कुल, तो कुछ नहीं पता।